ये सर बीजेपी में सर जाने का निर्णय सर कब आपने लिया और इसका आधार क्या रहा सर? अभी तो बताना मुश्किल है कि बता ही दे रहा हूँ आपको। सर हमारे परिवार में नीरज शेखर जी हैं जी जो इस समय बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। जी 2019 के चुनाव में, जी लोकसभा के चुनाव में नीरज शेखर का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था, उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। उसी समय से निर्णय हुआ कि हम लोग अब इस पार्टी में नहीं रहेंगे, ये पार्टी अब अपने स्वार्थों पे चलने लगी है, इसलिए इस पार्टी को छोड़ना उचित है। उसी समय से निर्णय हो गया था कि हम लोग इस पार्टी में नहीं रहेंगे। नीरज शेखर बहुत पहले ही चले गए थे, मेरा अब समय आया है तो मैं जा रहा हूँ। तो सर ये इसके पहले सर जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है उनसे सर इनकी किन से आपके सर मुलाकात हुई है इस संदर्भ में? मेरी किसी से नहीं हुई है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है, अच्छा स्वतंत्र देव जी से हुई है, सुनील बंसल जी से हुई है, दिनेश शर्मा जी से और किशोर मौर्या जी से हुई है। सर बीजेपी में सर आप अपने लिए सर किस तरह का स्पेस देख रहे हैं सर गुंजाइश देख रहे देश हैं? देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं वर्तमान में मिलती हूँ जी, पार्टी ने जो पार्टी जो मुझे दिशा निर्देश देगी उसका पालन करेंगे, अगर एमएलसी का टिकट देगी तो एमएलसी लड़ेंगे। सर जैसा कि इस बार लोकल बॉडी के एमएलसी इलेक्शंस होने हैं तो सर क्या इस विषय पर भी कोई आपकी अभी तक चर्चा हो पाई है माने पार्टी में शामिल होने? अभी नहीं हो पाई, अभी अभी तो ज्वाइनिंग हो जाने के बाद पार्टी अगर चाहेगी हमें लड़ाना चाहेगी तो लड़ाएगी, तो हम लड़ेंगे। सर पिछली बार जैसे आप एक आपने रिकॉर्ड भी कायम किया था लोकल बॉडी इलेक्शन में, सबसे ज्यादा आप वोटों से जीत करके आए थे जी, प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीता, प्रदेश में सबसे ज्यादा था, यह मैं डेटा देख रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो सर इस बार जब लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या इतना ही सुगम होगा या इस बार थोड़ी सी चुनौती आप देख रहे हैं अपने लिए? हमको तो लग रहा है कि इस बार निर्विरोध हो जाएंगे।